नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 204 रनों के विशाल लक्ष्य को भी बड़ी आसानी से हासिल करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम किया और 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में अब 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपने नाम किए हैं, और साथ ही दोस्तों इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में दोस्तों भारतीय टीम के केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर की शानदार पारियों के बदौलत टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 19 ओवर में अपने नाम कर लिया और साथ ही दोस्तों इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। अब हम आप बात करते हैं दोस्तों कि इस मुकाबले में कौन कौन से वे रिकॉर्ड्स हैं जो टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मैच के रिकॉर्ड्स की नज़र डालें तो पहला रिकॉर्ड की बात करें तो ये दोस्तों, इस मुकाबले में 5 अर्धशतक लगे हैं। भारत की तरफ से 3 और न्यूजीलैंड की तरफ से 2 अर्धशतक लगे हैं। ऐसा किसी भी T20 मुकाबले में पहली बार हुआ है जब 5 अर्धशतक लगे हो। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे रिकॉर्ड्स की बात करें तो टीम इंडिया ने ये चौथी बार 200 से ज़्यादा कर रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की है और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली टीम बनी है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार ऐसा कारनामा किया है, लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया ने ऐसा 4 बार करके दिखाया है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में भारतीय टीम का ये सबसे बड़ा रन चेस है। इससे पहले टीम इंडिया न्यूजीलैंड में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी, जो अब उन्होंने करके दिखाया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, 2020 में टीम इंडिया पहली बार 200 रन का स्कोर बना पाई T20 में, और भी लक्ष्य का पीछा करते हुए ये रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है इन्होंने। और वहीं पर दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ये चौथी T20 जीत है। इससे पहले सिर्फ 3 मुकाबले ही जीते थे टीम इंडिया ने और अब चौथी जीत दर्ज कर ली है। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच की बात करें तो भारत की तरफ से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी श्रेयस अय्यर ने, जिसके चलते उन्हें इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच दिया गया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 29 गेंदों में दोस्तों 58 रनों की पारी खेली, या फिर केएल राहुल, जिन्होंने 27 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।